हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और टनाटन होंगे। तो आज की नई वीडियो में स्वागत है आपका। और आज जो है हम आपको दिखाने वाले हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये मेरी समर है, तो अभी खेत में जो है हमारे मक्का है और मक्का अभी छोटी छोटी है, देख सकते हैं आप। जैसे कि यहाँ पे ये छोटी छोटी मक्का है, अभी ये बड़ी होगी और इसमें भुट्टा वगैरह लगेगा, हम लोग खाएंगे, बड़े इन्जॉय करेंगे। तो बस यही है, जो अभी नौनी हो रही थी तो आपको नौनी भी दिखाते हैं, खेत गेहूँ की कटाई। और ये सब देख सकते हैं कि खेत में जो है मेरे गेहूँ का गट्ठा वगैरह पड़ा हुआ है और अभी लास्ट में हो भी रही थी, हम भी कर रहे थे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या हो रहा है, तो बने रहिए वीडियो में। हाई लोगों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा गट्ठा पड़ा हुआ है गेहूँ का, और इतने बड़े बड़े गट्ठे चारों तरफ पड़े हुए हैं मेरे खेत में। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है और सुबह का टाइम है तो काफ़ी अच्छा मौसम भी है। और आप पीछे से भी देखेंगे कि काफ़ी दूर तक गठे गठे पड़े हुए हैं, तो आपको दिखाते हैं किस तरीके से क्या होता है। तो भाई लोगों, जो है हमारी नौनी इधर हो रही है और देख सकते हैं यहाँ पे कितना कचड़ा पड़ा हुआ है। ये ऊपर पेड़ है आम का, तो आम का पेड़ जो है उसके पत्ते गिरते रहते हैं इधर, और छोटा छोटा गेहूं भी है। और बारिश आई थी और आंधी वगैरह आई थी तो पूरा गेहूं गिर गया था। तो इधर जो है देख सकते हैं आप, जैसे कि पूरा कचरा कचरा जैसे पड़ा है, बड़ी मुश्किल हो रही है नौनी करने में। तो अभी हम लोग जो है नौनी कर रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं किस तरीके से नौनी हो रही है। तो भाई लोगों, जो है इससे नौनी होती है और जो है हमारे यहाँ उत्तराधी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताना जरूर कमेंट करके। तो अभी जो है आप देख सकते हैं पूरा जो है पेड़ काफ़ी अच्छे से दिख रहा होगा आपको, हरा हरा पूरा अच्छा पेड़ दिख रहा होगा। और इधर देख सकते हैं बाग है, ये बाग जो है कचरा तेड़ा पूरा पड़ा हुआ है, इसमें अभी लोग पॉटी करते हैं, बस पॉटी करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और इधर आप पूरा देखेंगे कि इधर साइड जो है खेती खेत हैं चारों तरफ। और ये देखिए भतीजा खेल रहा है। तो भाई लोगों, इस तरीके से जो है नौनी हो रही है, अब देख सकते हैं पूरा गेहूं ऐसे ही पड़ा हुआ है, ऐसे ही बिल्कुल एक तरफ से, और पूरा नुकसान ही नुकसान हो गया है। तो अभी भाई साहब धूप ज़्यादा हो गई है और धूप की वजह से पूरा शरीर चिलचिला रहा है, अभी घर पे जा रहे हैं बस। और नौनी करके देख सकते हैं इतना सब कुछ कट गया है अभी, और काटने के बाद घर निकलने के बाद देखते हैं भैंस का भी चारा रहा कुछ करने को है, पानी वानी पिलाएंगे उसको, कुछ देखते हैं क्या करना है। तो दोस्तों, मेरा ब्लॉग कैसा लगा तो बताइएगा जरूर, और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। तो जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।